हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कुलदीप सिंह। दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में बात करूंगा और उसका सॉल्यूशन बताऊंगा जिससे हर कोई पर्सन परेशान है। और वो प्रॉब्लम ये है कि जब भी किसी पर्सन के साथ में कोई भी दुर्घटना घटित होती है और वो पर्सन FIR दर्ज करवाने के लिए पुलिस स्टेशन में जाता है, तो उस पर्सन की FIR दर्ज नहीं करती पुलिस और उसे वापस भेज देती है। इसके अलावा किन्हीं केसेस में अगर पुलिस रिपोर्ट लिख भी लेती है तो वो एक प्लेन पेपर के ऊपर लिखती है और उसको फिर कचरे के डब्बे में डाल देती है, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेती। तो फिर ऐसे में उस पर्सन के साथ में जो घटना घटित होती है वो कंटिन्यूसली होती रहती है और वो पर्सन परेशान रहता है, लेकिन उसकी FIR दर्ज नहीं करती पुलिस। तो ऐसे में आज मैं आपको बताऊँगा कि अगर आपके साथ में ऐसा हो रहा है तो उस कंडीशन में आप अपनी FIR कैसे दर्ज कराएं, एक आम आदमी को न्याय किस तरीके से मिलेगा, तो उस प्रोसीजर के बारे में आज मैं आपसे बात करूंगा। उसके लिए आप सबसे पहले इस केस के बारे में समझ लें। दोस्तों, इस केस में एक पर्सन था जो कि SC मीन शेड्यूल्ड कास्ट से बिलोंग करता था। तो उस पर्सन को अदर कास्ट के पर्सन ने जाति सूचक शब्द कहकर के संबोधित किया और ये काफ़ी लंबे समय तक चलता रहा। तो फिर ऐसे में जब ये पर्सन परेशान हुआ तो यह पर्सन फाइनली उस अदर कास्ट के पर्सन के अगेंस्ट में FIR रजिस्टर करवाने के लिए पुलिस स्टेशन गया, लेकिन वहाँ पर पुलिस ने उस पर्सन की FIR रजिस्टर नहीं करी और उसे वापस भेज दिया। ऐसे में उस पर्सन ने फिर पुलिस कमिश्नर के पास में ये बात बताई कि इस प्रकार से उसे जाति सूचक शब्द कहे जा रहे हैं और उसे परेशान किया जा रहा है, लेकिन उससे भी कोई उसकी FIR रजिस्टर नहीं की गई। उसके बाद में उस पर्सन ने प्राइम मिनिस्टर को ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी, उससे भी उस पर्सन को कोई रिलीफ नहीं मिला। तो उस पर्सन ने सेक्शन 156 क्लोज 3 ऑफ CRPC में एक प्लेंट फाइल की ट्रायल कोर्ट के सामने। तो 156(3) में इसलिए कंप्लेंट फाइल की जाती है कि जब भी पुलिस किसी पर्सन की अगर FIR दर्ज नहीं करे तो फिर कोर्ट में बात बताई जाती है कि मेरे साथ में इस प्रकार से ये घटना हो रही है और पुलिस में जब मैंने कंप्लेंट दर्ज करवाई तो पुलिस ने FIR रजिस्टर करने से मना कर दिया है। तो फिर ऐसे में अब कोर्ट के थ्रू मैं FIR रजिस्टर करवाना चाहता हूँ, तो जो भी कोई रिलीफ हो वो मुझे दी जाए। तो इस प्रकार से जब 156(3) में उस पर्सन ने प्लेंट फाइल की तो ट्रायल कोर्ट ने भी उसको 2 महीने का समय दिया और 2 महीने की डेट दे दी। तो ऐसे में फिर जब उस पर्सन ने 2 महीने की डेट के अगेंस्ट में एडिशनल सेशन जज के सामने एक अलग एप्लीकेशन फाइल की और उसमें उसने मांग की कि ये 2 महीने का समय काफ़ी लंबा समय है, क्योंकि जो पर्सन उसे जाति सूचक शब्द कह रहा है वो काफ़ी लंबे समय से परेशान कर रहा है। और जब अब उसे इस बात की जानकारी हुई कि मैं FIR रजिस्टर करवाने के लिए गया था पुलिस स्टेशन, तो वो अब मेरे अगेंस्ट में एक षड्यंत्र रच रहा है और मेरे ऊपर एसिड अटैक करने की प्लानिंग कर रहा है। तो यह बात जब बताई तो भी एडिशनल सेशन जज ने उनकी एप्लीकेशन को खारिज कर दिया, ये कह करके कि ट्रायल कोर्ट के द्वारा जो 2 महीने का समय दिया गया है वो इंक्वायरी के लिए दिया गया है। तो ऐसे में पुलिस के द्वारा 2 महीने तक इंक्वायरी की जाएगी और उसके बाद में अगर पुलिस उचित समझेगी तो FIR रजिस्टर करेगी। तो एडिशनल सेशन जज के द्वारा जो एप्लीकेशन खारिज की गई उसके अगेंस्ट में इस पर्सन ने दिल्ली हाई कोर्ट के सामने एक क्रिमिनल अपील फाइल की और वो क्रिमिनल अपील सेक्शन 14 ऑफ SC and ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 रीड विद सेक्शन 482 ऑफ CRPC एंड रीड विद आर्टिकल 227 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये क्रिमिनल अपील फाइल की गई। तो ऐसे में जब दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पिटीशन के ऊपर सुनवाई की तो उसमें यह सामने आया कि जिस पर्सन को यह परेशान किया जा रहा है वो पर्सन इंटरनेशनल हॉर्स राइडिंग चैम्पियन है और वो पर्सन 30 times अलग अलग प्रकार की चैम्पियनशिप जीत चुका है। इसके अलावा वो पर्सन टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत को रिप्रेजेंट करने जा रहा है। तो फिर जब इस प्रकार की सारी घटनाओं की जानकारी हुई और कोर्ट के सामने आया कि वो पर्सन पुलिस स्टेशन गया था FIR रजिस्टर करवाने के लिए, लेकिन पुलिस ने मना कर दिया,
ट्रायल कोर्ट के सामने जब उस पर्सन ने पिटीशन फाइल की और अपनी प्ली लगाई 156 क्लोज 3 ऑफ सीआरपीसी में, तो ट्रायल कोर्ट ने 2 महीने का समय ग्रांट कर दिया पुलिस को कि आप इंक्वायरी कीजिए और उसके बाद में एफआईआर रजिस्टर करने के आदेश दिए जाएंगे। और जब एडिशनल सेशन जज के सामने वो पर्सन गया तो फिर एडिशनल सेशन जज ने उनकी एप्लीकेशन को ही खारिज कर दिया। उस पर्सन ने CJI मीन्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी एक रिटर्न में लेटर दिया और बताया कि ट्रायल कोर्ट किस तरीके से 2-2 महीने का समय दे रही है केवल इंक्वायरी के लिए, जबकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह सेटल्ड लॉ है कि इंक्वायरी के लिए केवल 7 डेज का समय दिया जाएगा, तो उसको भी फॉलो नहीं किया। तो फिर ऐसे में जब यह बात अपीलांट ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताई तो फिर दिल्ली हाईकोर्ट ने इसके ऊपर प्रॉपर सुनवाई की, लेकिन जो अपोजिट काउंसिल थी उन्होंने यह कहा कि इन्होंने कोई कंप्लेंट ही दर्ज नहीं करवाई, ये कभी पुलिस स्टेशन में गए ही नहीं अपनी FIR रजिस्टर करवाने के लिए। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने इन आर्ग्यूमेंट्स को नहीं माना और दिल्ली हाईकोर्ट ने फाइनली ये आदेश दिया कि अपीलांट FIR रजिस्टर करवाने के लिए पुलिस स्टेशन गया, लेकिन पुलिस ने FIR रजिस्टर करने से मना कर दी। तो ऐसे में उस पुलिस स्टेशन का उस समय का SHO इस बात के लिए जिम्मेदार है और उसके अगेंस्ट में सेक्शन 4 ऑफ SC & ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 की कार्यवाही की जाए। इसके अलावा जो भी अदर प्रोसीडिंग्स हैं वो उसके अगेंस्ट में की जाए, क्योंकि एक पुलिस ऑफिसर की ये जिम्मेदारी है कि जब भी किसी पर्सन के साथ में कोई भी अगर घटना घटित होती है तो वो पर्सन अगर पुलिस स्टेशन में आकर के FIR रजिस्टर करवाता है तो उसकी FIR रजिस्टर की जाए। तो उस SHO ने अपनी ड्यूटी को पूरा नहीं किया और FIR रजिस्टर करने से मना कर दिया अपनी स्वयं की इच्छा से। तो सेक्शन 4 ऑफ SC & ST एक्ट ये कहता है कि जब भी कोई पर्सन अगर अपनी ओब्लिगेशन अगर निभाने से मना कर दे अपनी स्वयं की इच्छा से, तो फिर ऐसे में उसके अगेंस्ट में कार्यवाही की जाएगी और दोषी पाए जाने पर उस पर्सन को मिनिमम 6 महीने की जेल की सज़ा होगी और अधिकतम 1 वर्ष की जेल की सज़ा होगी उस पर्सन को। तो ये कार्यवाही करने के आदेश दिए गए ट्रायल कोर्ट को कि SHO के अगेंस्ट में सेक्शन 4 की कार्यवाही स्टार्ट की जाए और इसके अलावा जो भी अदर कार्यवाही है वो भी होनी चाहिए। तो इस प्रकार से एक एग्रीव्ड पर्सन को दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा न्याय दिया गया। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई एक आम आदमी के साथ में कोई घटना घटित होती है और उस पर्सन की पुलिस के द्वारा FIR अगर रजिस्टर नहीं की जाए और FIR रजिस्टर करने से अगर मना कर दिया जाए तो ऐसे में उस पर्सन को क्या करना चाहिए। दोस्तों मैं आपको जो बातें बता रहा हूँ उनको बहुत ही ध्यान से सुनना और हो सके तो नोट कर लें। सबसे पहली बात तो ये कि जब भी अगर आपके साथ में कोई भी अगर घटना घटित होती है तो आप पुलिस में अगर FIR रजिस्टर करवाने के लिए जाते हैं तो उस समय आप ध्यान रखें कि आप रिटर्न में एक कंप्लेंट दें और रिटर्न में आपको कंप्लेंट बाई पोस्ट भेजनी है। बाई पोस्ट इसलिए भेजनी है ताकि उसकी रिसिप्ट आपके पास में रहेगी और ये एक प्रूफ की तरह काम करेगा कि आपने पुलिस को अपनी साथ में जो घटना घटित हुई है उसकी जानकारी दे दी है, उसके बाद में भी पुलिस ने FIR रजिस्टर नहीं करी, ताकि ये बात जब कोर्ट के सामने आए उस समय आप ये कह सकें कि ये रिसिप्ट है और आपने कंप्लेंट भेजी थी पुलिस को लेकिन पुलिस ने FIR रजिस्टर नहीं करी। इसका क्या प्रभाव होगा वो आगे अभी आपको मैं बताता हूँ। और आपके द्वारा रिटर्न में पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट भेजने के बाद में भी अगर FIR रजिस्टर नहीं होती है तो कंप्लेंट भेजने के 15 डेज के बाद में आपको ट्रायल कोर्ट के सामने सेक्शन 156 क्लॉज 3 ऑफ CRPC में एक प्लेंट फाइल करनी है और उसमें आपको यह कहना है कि जो आपके साथ में घटना घटित हुई है उसका पूरा विवरण लिखना है और आपको बताना है कि आपने किस दिनांक को वो कंप्लेंट पुलिस को भेजी थी, उसकी रिसिप्ट आपको साथ में उस प्लेंट के लगा देनी है। तो उसके बाद में अगर मान लीजिए कि 156 क्लॉज 3 में भी अगर ट्रायल कोर्ट के द्वारा उसमें कोई प्रॉपर अगर कार्यवाही नहीं की जाए तो फिर ऐसे में आप क्या करेंगे। तो ऐसे में आपको एडिशनल सेशन जज के सामने उसके लिए एप्लीकेशन फाइल करनी है और अगर एडिशनल सेशन जज के द्वारा भी कोई प्रॉपर कार्यवाही नहीं की जाए तो फिर हाईकोर्ट के सामने आप प्ली फाइल कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि इस प्रकार से अगर
आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और जो मैंने आपको कंडीशंस बताई हैं उनको अगर आप फॉलो करते हैं तो फिर ऐसे में आपको न्याय जरूर मिलेगा। हाँ, हो सकता है थोड़ा लंबा समय लगे क्योंकि ये प्रोसीजर है और कोर्ट में प्रोसीजर से ही काम होगा, वहाँ पर जो कानून है उससे बियॉन्ड कुछ भी नहीं जाएगा, इसलिए थोड़ा समय इसमें लग सकता है। जो एक केस मैंने अभी आपको बताया है ये 2018 का है, आज का नहीं है, इसमें भी थोड़ा समय लगा है, लेकिन इस पर्सन को न्याय जरूर मिला है। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस प्रकार से प्रोसीजर से चलेंगे तो उसका बेनिफिट क्या होगा। अगर आपने पुलिस स्टेशन में रिटर्न में अगर अपनी कंप्लेंट भेजी और उसकी रिसिप्ट आप रखते हैं तो ऐसे में पुलिस के द्वारा कभी भी डिनाई नहीं किया जाएगा कि आपने ये रिपोर्ट नहीं भेजी उन्हें, क्योंकि आपके पास में उसकी रिसिप्ट है और वो आपके पास में एविडेंस है, वो डिनाई नहीं हो सकता है। तो ऐसे में उस SHO के अगेंस्ट में कार्यवाही की जाएगी सेक्शन 166A ऑफ इंडियन पिनल कोड में। और अगर आप ये बात प्रूव कर देते हैं कि आपने ये कंप्लेंट इस दिनांक को भेजी थी और इसकी रिसिप्ट ये है, फिर भी पुलिस स्टेशन में SHO के द्वारा FIR रजिस्टर नहीं की गई, तो ऐसे में सेक्शन 166A ऑफ इंडियन पिनल कोड की कार्यवाही होगी SHO के अगेंस्ट में और गिल्टी पाए जाने पर उस पर्सन को मिनिमम 6 महीने की जेल और अधिकतम 2 वर्ष की जेल की सजा होगी और उसके ऊपर फाइन लगाया जाएगा। तो एक SHO की जॉब जा सकती है अगर आप प्रॉपर तरीके से काम करें तो, लेकिन अगर आप एक शॉर्टकट वे अपनाते हैं और आप रिटर्न में कंप्लेंट ना दे करके अगर पुलिस स्टेशन में जा करके अपनी FIR रजिस्टर करवाने के लिए कहते हैं तो वहाँ से आपको वापस भेज दिया जाएगा। आपके पास में कोई भी प्रूफ नहीं है कि आप पुलिस स्टेशन में गए थे या नहीं गए थे, तो इसलिए जो प्रोसीजर मैंने आपको बताया है उसको प्लीज़ फॉलो करें, तो फिर आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से जो केस मैंने अभी आपको बताया इसमें न्याय मिला, उसी प्रकार से आपको भी न्याय ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार के और वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।